शाहरुख इस वक्त की बड़ी खबर का करेंगे। प्रद्युमन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और रिपोर्ट में कहा गया है कि सदमा और ब्रेन हैमरेज मौत की वजह रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि धारदार हथियार से हमला किया गया है और हथियार से हमला हत्या के लिए काफी था। रेयान स्कूल में प्रद्युमन की हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब यहां पर निकलकर सामने आई है। हमारे संवाददाता पवन मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ कर दिया गया है कि एक धारदार हथियार से हमला किया गया है और क्या कुछ कहा गया है इस रिपोर्ट में? जी, रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो जब हमला किया गया था और कई बार इसमें हमला किया गया है, उसके बाद भी जो है करीब जो है 15 मिनट तक जो है प्रद्युमन की सांसें चलती रही हैं, और जो 15 मिनट का जो दायरा है देखा जाए, अगर इसमें बचाने की भरसक कोशिश होती तो कहीं ना कहीं प्रद्युमन आज हमारे बीच होता। तो ऐसा जैसा पुलिस भी तफ्तीश कर रही है, जांच का भी एक विषय है, आखिर वो 15 मिनट गया तो कहाँ गया, और एक पुलिस एक ट्रैक कर रही है कि स्कूल से हॉस्पिटल ले जाने वक्त की दूरी कितनी लगी थी और जिस गाड़ी पे ले जाया गया था, क्या स्कूल प्रशासन को इस बात का बिल्कुल मालूम था कि क्या ऑक्सीजन स्कूल में रहता है कि नहीं रहता है, क्या मंगाया नहीं गया या निजी गाड़ी था। तो ऐसे कई ऐसे सवाल और पहलुओं का इस पर पुलिस दिशा में जांच कर रही है। चलिए पवन, आप बने रहिएगा साथ। हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि प्रद्युमन के पिता ने क्या कुछ कहा है। अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन था या पुलिस जो कह रही थी, वो ये कह रही थी कि उसने कुछ, कंडक्टर का भी जो स्टेटमेंट था कि वो कुछ गलत कर रहा था, बच्चे ने देख लिया, इस डर से उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, तो अब जिस तरह आप बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इस तरह की कोई मतलब किसी बात की पुष्टि नहीं हुई है, तो मैं यही सवाल ही था मेरा कि फिर क्या रीज़न था? अगर ये रीज़न नहीं था तो फिर क्या रीज़न था कि उस बच्चे की हत्या की गई? उस रीज़न का पता चलना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही अभी तक तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो आप बता रहे हैं कि सिर्फ ये आया है कि किसी धारदार वेपन से किया गया है, क्या इस बात, मैं ये जानना चाहूँगा कि मतलब क्या जो चाकू बरामद हुआ है उसी चाकू से इस घटना को अंजाम दिया गया है या धारदार मतलब कुछ और भी था, मतलब कुछ कोई मतलब ये चाकू है कि नहीं है, बात वो है जानने वाली।